स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। भारतीय क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद BCCI के द्वारा कितनी प्राइज मनी देने की घोषणा की गई है? ए 100 करोड़, बी 125 करोड़, सी 150 करोड़, डी 200 करोड़। आंसर बी 125 करोड़। एक्सप्लेनेशन: 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम पर BCCI ने पैसों की बारिश कर दी है। साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराने वाली भारतीय टीम को 125 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी। बोर्ड के सचिव जय शाह ने 30 जून को इसकी घोषणा की। इससे पहले धोनी की कप्तानी में भारत ने जब 2007 में दक्षिण अफ्रीका में पहला T20 विश्व कप जीता था और फिर उन्हीं की कप्तानी में 2011 का वनडे वर्ल्ड चैंपियन बना था, तब हर खिलाड़ी को 2 करोड़ रुपए कैश प्राइज दिए थे। अगला प्रश्न: हत्या की धारा 302 के पतले अब नए आपराधिक कानून में कौन सी धारा लगेंगे? ए धारा 63, बी धारा 101, सी धारा 109, डी धारा 189। आंसर बी धारा 101। एक्सप्लेनेशन: 1 जुलाई से देश में कानूनी प्रणाली में बड़ा बदलाव लागू हो गया। 3 मुख्य आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 लागू नहीं रहेंगे। इनकी जगह पर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू हो गए हैं। नए कानून में धारा 375 और 376 की जगह बलात्कार की धारा 63 होगी, सामूहिक बलात्कार की धारा 70 होगी, हत्या के लिए धारा 302 की जगह धारा 101 होगी। भारतीय न्याय संहिता में 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है, जिसमें एक नया अपराध मॉब लिंचिंग है। अगला प्रश्न: हाल ही में खबरों में रहा मिनामी टोरिशिमा द्वीप किस देश से संबंधित है? ए दक्षिण कोरिया, बी चीन, सी फ्रांस, डी जापान। आंसर डी जापान। एक्सप्लेनेशन: शोधकर्ताओं ने हाल ही में मिनामी टोरिशिमा द्वीप के समुद्र तल पर इलेक्ट्रिक कार बैटरी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लगभग 230 मिलियन मीट्रिक टन खनिजों का पता लगाया है। मिनामी टोरिशिमा द्वीप, जिसे मार्कस द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक जापानी द्वीप है। अगला प्रश्न: हाल ही में कौन 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित हुई है? ए मेघना अहलावत, बी डॉक्टर उषा ठाकुर, सी नशीरा शर्मा, डी ममता कालिया। आंसर बी डॉक्टर उषा ठाकुर। एक्सप्लेनेशन: उषा ठाकुर को नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में हिंदी साहित्य के विकास में उनके योगदान के लिए 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्होंने हिंदी और नेपाली में 40 से अधिक साहित्य का अनुवाद किया है और हिंदी भाषा को मजबूत किया है। अगला प्रश्न: T20 अंतर्राष्ट्रीय में सर्वाधिक शतकों का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? ए विराट कोहली, बी डेविड वॉर्नर, सी रोहित शर्मा, डी क्रिस गेल। आंसर सी रोहित शर्मा। एक्सप्लेनेशन: ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल और भारत के रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड साझा करते हैं। रोहित शर्मा का T20 इंटरनेशनल करियर रिकॉर्ड 159 मैचों में 4231 रन, 5 शतकों के साथ प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी।